नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। पहाड़ पर शोले, जंगल में ज्वाला, क्योंकि इस वक्त देवभूमि के जंगल में ऐसी आग लगी है कि पूरा उत्तराखंड धधक रहा है। उत्तर भारत गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। जम्मू का रामबन भूस्खलन की तो कश्मीर बर्फबारी की मार झेल रहा है, और ये सब अप्रैल में घट रहा है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या ये मौसम का बदलापुर है? ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझिए। उत्तराखंड के जंगल में आग, कुमाऊं से गढ़वाल तक राख। देवभूमि में अग्नि वर्षा, दुनिया में तबाही की चर्चा। प्रकृति के सीने में खंजर, खौफ से भर देगा मंजर। चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। पहाड़ पर खलबली, आग बुझा पाएगा बाहुबली। मई से पहले ये हाल, क्या गर्मी बन जाएगी काल? कुदरत ये कैसा खेल, कश्मीर में बर्फबारी से सिस्टम फेल। मौसम का बदलापुर। देखिए, जो उत्तराखंड मार्च तक ठंड से हार कम पाता है, वो अप्रैल आते आते जलने लगता है, जैसे इस वक्त जल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है जो कि अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। लेकिन सिस्टम को समझ नहीं आ रहा कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। हालांकि इस मुश्किल वक्त में सेना देवदूत बनी है, जिसका बाहुबली MI-17 मोर्चे पर डटा है। लेकिन सवाल यह है कि हर साल उत्तराखंड जलता क्यों है? ये आग के वो शोले हैं जिसकी ज्वालामुखी में उत्तराखंड पिछले 5 दिन से जल रहा है। ये आग जंगलों से शुरू हुई थी जो अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। इस वक्त कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का कोई ऐसा जिला नहीं है जो इस आग की चपेट में न हो। नैनीताल के जंगल पिछले कुछ दिनों से खासे चर्चाओं में है। ये चर्चा है जंगलों में लगी आग। हालांकि वन विभाग ने आग पर तो काफी हद तक काबू पा लिया है। यहाँ SDRF, NDRF, दमकल विभाग, वन विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट्स पूरी आग को बुझाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी मदद करते हैं उस, लेकिन आग पर इतनी आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता क्योंकि पूरे क्षेत्र में हवाओं का बहुत बड़ा प्रकोप है। गढ़वाल मंडल का पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून बुरी तरह जल रहे हैं। कुमाऊं मंडल में नैनीताल के अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत के इलाके आग से धधक रहे हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। जंगलों में लगी आग इतनी विकराल है कि सूबे की सरकार भी बेबस दिखाई दे रही है। इस मुश्किल वक्त में उत्तराखंड को सेना का सहारा है, जिसने आग बुझाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार पानी का छिड़काव कर आग बुझाने में लगा है, लेकिन हेलीकॉप्टर से आग बुझेगी ये बड़ा सवाल है। जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज
पानी डाल रहे हैं। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आज सेना के लोगों से मदद मांगी है, आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। जंगलों में वन संपदा, खेत खलिहान तो आग की भेंट चढ़ ही रहे हैं, जानवरों के लिए भी ये आग काल बन गई है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल अपने जानवरों को बचाने में आ रही है। वहीं एक खतरा जंगली जानवरों का भी है, क्योंकि ये आग इतनी भयानक है कि नैनीताल चारों तरफ से जंगल की आग से घिर गया है। लपटे नैनीताल के रिहायशी इलाके हाईकोर्ट कॉलोनी और आर्मी एरिया के नजदीक तक पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री धामी आग प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच आग लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई भी हो रही है। अगर बात नुकसान की करें तो 575 आग लगने की घटनाएं नवंबर से अब तक हुई हैं, जिसमें 690 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं और 14 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, आग से हाहाकार मचा हुआ है, सिस्टम बेबस है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं कि आखिर हर साल क्यों धधकने लगते हैं उत्तराखंड के जंगल, आखिर हर बार क्यों फेल हो जाते हैं सरकारी इंतजाम, और कब तक उत्तराखंड के लोग कुदरत के नाम पर ये तबाही सहते रहेंगे। उससे भी बड़ा सवाल, आखिर अप्रैल में ही क्यों होती है ये अग्निवर्षा। क्योंकि उत्तराखंड में आग कोई नई नहीं है, गर्मी आते ही उत्तराखंड के जंगल जलने लगते हैं। यहाँ सालों से ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले की तुलना में अब आग ज्यादा विकराल हो गई है, जिसका बड़ा कारण है लोगों का जंगल को काटना है। क्योंकि वन अधिनियम लागू होने से पहले गांव के लोग जंगल पर सीधे निर्भर होते थे, तो इसकी देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता खत्म होता चला गया। यही वजह है कि वक्त के साथ जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती चली गईं। यही वजह है कि इस वक्त पूरा उत्तराखंड आग की लपटों में धधक रहा है। वही उत्तराखंड में अग्निवर्षा के पीछे चीड़ को भी बड़ी वजह माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वन अधिकारियों के मुताबिक इसमें से 15-20% चीड़ के जंगलों वाला इलाका है। इन्हीं जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। दरअसल चीड़ की पत्तियां आग में घी का काम करती हैं। ये पत्तियां मार्च से गिरना शुरू होती हैं और करीब 15 लाख मीट्रिक टन बायोमास बनकर पूरे जंगल में बिछ जाती हैं, और हल्की चिंगारी मिलने पर जलने लगती हैं। जिसमें हवा मिल जाए तो ये आग तांडव मचाने लगती है, और फिर देखते ही देखते आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। हालांकि सरकार हर साल गर्मी शुरू होने से पहले प्री फायर प्लानिंग करती है, जिसके तहत फायर लाइन सही की जाती है, लेकिन ये कोई कारगर इलाज नहीं है। सच तो ये है कि अब तक प्रशासन उत्तराखंड को जंगलों को आग से बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं खोज पाया है, और आखिर में सेना को मोर्चा संभालना पड़ता है और फिर जाकर आग पर काबू पाया जाता है।